हम तो चाहते हैं कि वो सफाई ऐसी हो जाए। अब देखिए थेम्स रिवर है इंग्लैंड की, वो इतनी क्लीन है, इतनी क्लियर है, तो हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको माँ तो नहीं मानते हैं, उसको वो केवल नदी मानते हैं, हम तो माँ मानते हैं, हम गंगे माँ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसकी सफाई और भी ज्यादा है। तो हमारे मध्य प्रदेश का कुछ 30% जो आबादी यहाँ की नर्मदा के ही तट पर रहती है और उनका जीवन उन्हीं पर निर्भर करता है। इस बार तो जो सिंहस हुआ है वो भी नर्मदा के जल से हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में अब नर्मदा का पानी जाने लगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे ही नहीं, सभी के मन में इस बात की बड़ी खुशी है कि हम इस कार्य में जुड़े हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वे बड़े ही कुशल हैं, बहुत सक्षम हैं, और जो चीज़ वो सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ सोचते हैं। तो मुझे भी जब पता लगा और मुझे उनका न्योता भी प्राप्त हुआ तो मैं इसमें जुड़ गया हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि और लोग इससे जुड़े, जिससे कि यही भावना जो है ये और प्रदेश में भी पहुँच जाए, दूसरे प्रदेश के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अब उसको अपने यहाँ की जो नदियाँ हैं उनको इस भावना से लेकर और तेज कार्य सदस्य कई वर्षों से मुझे प्रमोद महाजन जी ने सदस्य बनाया था और मैं काफ़ी इसमें काम करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत एक व्यस्त कलाकार हूँ, जो व्यस्तता होती है किसी दूसरे क्षेत्र की वो इसमें ज़्यादा आने से थोड़ी बिगड़ती है, लेकिन यदि उसका संतुलन रखते हुए मुझे कोई कार्यभार सौंपा जाएगा तो मैं उसे अवश्य करूँगा। मैं ये तो नहीं कर सकता कि अपना गाना छोड़ के वहाँ चला जाऊँ, लेकिन अगर उसकी एक बैलेंस रखते हुए मुझे कोई काम दिया जाएगा, जैसे प्रसार भारती का काम दिया गया, उससे मुझे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता अपने संगीत में, लेकिन आगे और भी कोई ऐसा काम दिया जाए जिससे अफेक्ट ना पड़े तो मैं करना चाहता हूँ। चुनाव में नहीं आ जाना चाहिए, चुनाव में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि मुझे कभी राज्यसभा से लाया जाए और मुझे वो कार्यकाल सौंपा जाए जो मेरा क्षेत्र है, तो मैं जरूर आऊँगा इसमें, क्योंकि सबसे मेरी इतनी अच्छी मुलाकात है, परिचय मोदी जी से लेके अडवाणी जी से, अटल जी हमारे बहुत क्लोज हैं, तो सबसे ऐसा संबंध है और वो जानते हैं कि हमारा परिवार बहुत पहले से देश की सेवा करता रहा है। हमारे चाचा जी अश्विनी कुमार जी जो अडवाणी जी और अटल जी के साथी रहे,